हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, लेवल वन सी टैट का, हिंदी से रिलेटेड जो 30% आए थे उसका सोल्ड पेपर आज कराने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करना है। मंदिरा लिंग है, वचन है, क्रिया है आदि की दृष्टि से सवर्नाम का प्रयोग करना जानती है। केवल सवर्नाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सवर्नाम का समयोचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बता दें कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सवर्नाम का प्रयोग करना जानती है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, वन इज राइट। भाषा, भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय से में ही सीखी जाती है, एक नियमित व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने एवं दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की नियमित प्रक्रिया है। ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, यह एक नियमित व्यवस्था है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे कम पूछा है, और ये है भाषा की विभिन्न छटाएं या अभ्यासों में विभेदी है, पाठों की संख्या या विषय वस्तु में विभेदी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा पाठों की संख्या। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है? किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाना शिक्षकों के लिए गहन समस्या, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर की संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन तीन कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देते हैं? भाषाओं को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहु सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनहीनता के लिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ और कविताएं, विदेशी साहित्य, ऐसी रचनाएं जो बालकों के प्रवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाई हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन, ऐसी रचनाएँ जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाई हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है? बोलने की अक्षमता के अनुरूप लिखने की अक्षमताओं का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कठिनस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की अक्षमता का विकास करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बता दें कि हिंदी के व्याकरणिक नियम को कठिनस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आंकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन दो, सीखने की क्षमता का आंकलन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक अक्षमता के आंकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों में दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा का पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चों के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सी है? संवाद अदायगी की, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन या बातचीत करना। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरण के नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर या पाठ की भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं ऑप्शन वन की समृद्ध भाषिक वातावरण। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान रखा जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठ वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन वन की अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता क्या है? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालना, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करना, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं ऑप्शन फोर की बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला दोस्तों पैराग्राफ है, कृपया इस पैराग्राफ को अच्छी प्रकार से रीड कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वीडियो में टाइम कम होता है, इसलिए हम सीधा ही आपको प्रश्न करवाते हैं। समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? दुकानदारी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, या भाषा से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा गणित से। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? दुकानदारी करते जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं न स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो मौखिक गणना करते हैं दुकानदारी वाले करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, या बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं या बच्चों को गणित सिखाना चाहिए? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलतियां नहीं करते हैं, क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष है। वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता की डांट भी पड़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगला है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर अच्छा नहीं होता, खराब, अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ है खराब, अच्छा होता है, यानी खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उन्हें संकुचित सीमित भी कर सकता है या बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है संकुचित सांस्कृतिक, चूंकि सीमित। एक प्रत्यय होता क्या है? एक जिसमें दोस्तों अंत में एक आए, जैसे कि संकुचित में एक नहीं है, ये है दोस्तों सांस्कृतिक, एक आया है। आपको पता है कि प्रत्यय अंत में आते हैं, उपसर्ग आगे आते हैं, तो सांस्कृतिक बन गया दोस्तों। मनगणित का क्या अर्थ है? मन ही मन हिसाब को लगाना, कठिन गणित, मन गणित, गणित मन पसंद गणित। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा मन ही मन हिसाब लगाना। संयुक्त क्रियाओं का उदाहरण है अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा अध्ययन किया जा गया। ये फिर दोस्तों ये कविताओं को पढ़ना पड़ेगा, हरा भरा हो जीवन हमारा, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत वाला। ये इसके मैं सीधे ही आपको प्रश्न करवा देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है वीडियो बनाने के लिए। हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंग से भरा जीवन या हरियाली युक्त जीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? पेड़ों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, नदियों की आवाज़, समस्त प्राकृतिक अपादान। दोस्तों समस्त प्राकृतिक अपादान, समस्त प्राकृतिक में क्या क्या शामिल होता है आपको पता है, नदियां, पर्वत, हवा, पेड़ आदि। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पेड़ पौधे व डालियों को, वृद्ध लताओं को, हरा भरा जीवन को, प्राकृतिक सौंदर्य और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर कि प्राकृतिक सुंदरता से और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी।
कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जग से तुम हो और तुम से है प्यारा संसार, पंक्ति से कवि क्या कहना चाहता है। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर रहता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति पर अस्तित्व संसार से स्वतंत्र होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अनुपम से अभिप्राय है, अनुपम मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जिसकी उपमा न की जा सके सुखद आनंदमय या मनोहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा जिसकी उपमा न की जा सके वही अनुपम होता है। दोस्तों ये था हिंदी विषय के 30% जो सीटेट 2012 में आए हुए थे। कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।